नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। ओपन नेशनल एथलेटिक गेम में नेहा सिंह ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का किया नाम रोशन। बाराबंकी जिले की नेहा सिंह ने जयपुर राजस्थान में भारतीय खेल विकास परिषद द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ओपन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया, जिसमें 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ एवं लंबी कूद में उन्होंने एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता पर जिले के खेल प्रेमियों के साथ पूरा परिवार भी बहुत खुश है। नेहा सिंह ने अभी तक 3 नेशनल 1 ओपन नेशनल के साथ करीब 10 बार स्टेट लेवल गेमों में प्रतिभाग किया है, जिसमें उन्होंने 20 से अधिक मेडल भी जीते हैं। उधर नेहा सिंह का चयन थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हो गया है। 14 साल की उम्र में ही उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का उन्हें मौका मिला और उसमें वह सफल भी रही। इसके बाद उन्होंने इसे अपने कैरियर के रूप में चुना और लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित खेलों के माध्यम से अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं नेहा सिंह ने बताया कि सरकारी नौकरी के साथ एथलेटिक्स गेम खेलना बहुत टफ होता है, मगर मैं समय निकालकर तैयारी कर रही हूं। अभी ओपन नेशनल गेम में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीता है और थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल गेम में भी गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं इस समय सीएससी त्रिवेदीगंज में तैनात हूँ और मेरा यहाँ पे काम डीआरई का है, डाकरूम असिस्टेंट हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे तो यहाँ पे मशीन नहीं है, जिसके कारण मैं JSY का काम और RI करती हूँ और बस इस टाइम 2 ही काम मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फील्ड पे कभी का जो नई योजनाएँ चलती हैं उसके बारे में जा जा के विजिट भी कर लेती हूँ। त्रिवेदीगंज में तैनात हूँ, DRA के पद पे हूँ और यहाँ पे मेरा वर्क डार्कम असिस्टेंट का है, जो यहाँ पे मशीन नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ 2 काम संभालती हूँ, एक JSY का करती हूँ और एक RI विजिट करती हूँ। और यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैं क्लास 8 क्लास में स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखती आ रही हूँ और मैं कंटिन्यू खेलती भी आ रही थी, बीच में फिर पढ़ाई के दौरान गेम बंद कर दिया था। और फिर जब मेरी 2016 में जॉब लगी है तो मुझे पता चला ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एक टूर्नामेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और पहला नेशनल मेरा बैडमिंटन में लग गया था, तो मैंने पहला नेशनल बैडमिंटन में खेला है। और इसके बाद फिर दूसरा 2017 में मैंने एथलेटिक ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एथलेट जब ज्वाइन किया तो कई लोगों ने बोला कि आपका एथलेट बहुत अच्छा है, आप रनिंग में अच्छी हो, तो आप कोशिश करो आगे, अगर रनिंग करोगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। तो फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग में फोकस किया और फिर जॉब से धीरे धीरे मैंने टाइम निकाला अपने लिए, क्योंकि एक स्वास्थ्य विभाग ऐसा जॉब है जिसमें आप पब्लिक से डीलिंग एक तरफ से होता है, तो उसमें छुट्टी की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पर जितने भी हमारे अधिकारी थे और CMO जो थे हमारे, उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है आपको 1-2 घंटा हम पहले छुट्टी दे सकते हैं। तो उनकी छुट्टी से और उनके सपोर्ट के कारण फिर हमने धीरे धीरे वो चीज़ सुबह प्रैक्टिस पे जाते थे, फिर वहीं से डायरेक्ट हम जॉब पे आ जाते थे, फिर जॉब से फिर स्टेडियम जाते थे और फिर घर भी हम करीबन 8-9 बजे रात में पहुँचते थे। और फिर इसके बाद इस बार भी हमारा नेशनल था, तो फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि अगर हम जॉब की तरफ से खेल ही रहे हैं तो एक बार ओपन के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि ओपन और अच्छा माना जाता है। तो फिर इस बार मैंने ओपन ट्राई किया तो बाई लक अच्छा निकल गया और मेहनत भी काफ़ी होती है, क्योंकि हमको डाइट सब कुछ कवर करके रखना पड़ता है, अपना सही डाइट भी चाहिए, सही मतलब रेस्ट भी चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए नींद भी लेना उतनी प्रॉफिट ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छी नींद लेगा तभी वो अच्छा खेल पाएगा, अच्छा अपना रिजल्ट दिखाएगा। तो वो सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहा और आने वाले समय में कोशिश यही है कि मैं इससे और अच्छा करूं। इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया है थाईलैंड के लिए, अब उसमें जैसा भी होगा तो हम बताते रहेंगे, और भी कोई होगा तो कोशिश यही है कि अपना बेस्ट से बेस्ट करती जाऊँ।